गाइस पुलिस स्टेशन पे आ गए हैं। तो फाइनली गाइस आपको पता ही है मेरी बाइक बंद हो गई थी, बाहर से चेक करके वैसे ये बोलते भाई 2 दिन बाद छूटेगी। आ जाओ गाइस, आज आपको सुनाते हैं फुल सिस्टम एरो की 10R के अंदर आवाज की क्या साउंड आने वाली है भाई, और क्या फ्लेयर निकलती है, पटाखे बसते हैं या नहीं बसते वो देखते हैं। चलो भाई, तो पहले भाई बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट। गाइस पुलिस स्टेशन पे आ गए हैं, बाइक अपनी देख लो भाई वहाँ खड़ी है, एग्जॉस्ट के चक्कर में भाई बाइक बंद करा दे, पर अभी लगाई है अप्रोच, अब देखो कितनी देर में छोड़ रहे हैं, बाइक लेंगे यहाँ से फिर निकलेंगे भाई। The next day. तो फाइनली गाइज आपको पता ही है मेरी बाइक बंद हो गई थी, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाली थी भाई अपनी और रील भी डाली है, बाइक बंद हो गई थी, सीज़ कर लिया पुलिस वालों ने बाइक एग्जॉस्ट की वजह से, और क्या ही बताऊँ मैं आपको। बाकी हमने देखो भाई पेपर वगैरह नोटरी के सारे बनवा लिए, RC लगा दी है, आधार कार्ड लगा दिया, लाइसेंस सब कुछ लगा दिया भाई अपना, अब जा रहे हैं हम थाने में जमा कराने के लिए पेपर्स, और देखते हैं भाई कब तक छूटती है अपनी बाइक। बहुत यार मतलब ना पेनफुल चीज़ें थी ये मेरे लिए जो हुई मेरे साथ, और बाइक बहुत करीब है भाई मेरे दिल के ना, और वो मेरे पास नहीं है। अपना भाई फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है कि मेरी बाइक बंद हो गई हो, नहीं तो आज तक भाई कभी मेरी बाइक बंद नहीं हुई है, चाहे वो छोटी सी बाइक हो या ये 10R हो, आज तक बंद नहीं हुई थी भाई। आज पहली बार लाइफ में मेरी पहली बार भाई बाइक बंद हुई है, वो भी जिस तरीके से गई है वो बहुत गलत तरीका था, पर चली गई कोई नहीं, अब भाई छुड़वाएंगे और अंदर चलते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं भाई यहीं पे। बाहर से चेक करके इन्होंने ये कुछ लिखा है इसमें, और 6 नंबर जाने के लिए गए, तो भाई पहले 117 नंबर गए, अब 6 नंबर पर जा रहे हैं, वहाँ जाके देखते हैं भाई कि क्या बोलते हैं वो और क्या करते हैं। तो गाइस पेपर तो सारे जमा करा दिए हैं, वैसे ये बोलते भाई 2 दिन बाद छूटेगी, अब वो फ़ोन कराने के बाद इन्होंने बोला है भाई कि शाम को दे देंगे बाइक, कोशिश अभी यही है कि भाई अभी मिल जाए आधे घंटे 2 घंटे तक, पर शाम तक इन्होंने बोल दिया कि मिल जाएगी बाइक, अब वो 5 बजे मिल जाए 6 बजे मिल जाए, बाकी एक जगह और अभी फ़ोन किया है तो उससे देखो शायद अभी दे दे, तो उन्होंने बोला बाहर वेट करो थोड़ी देर फिर आपको दिखाते हैं भाई बाइक में हम जा रहे हैं घर या फिर वापसी अपनी गाड़ी में। तो गाइस पहले फ्यूल भरवा लेते हैं गाड़ी में, देखो रिजर्व लगी हुई है भाई, आज हम बाइक लेके जाएंगे घर या सिर्फ गाड़ी से जाना पड़ेगा, और 5 बजे वैसे मिल जाएगी भाई 5 से 6 बजे के बीच में, तो वो ले लेंगे भाई तब। बाकी भाई देखो दुख तो बहुत हुआ है भाई पुलिस वालों को ना, सही बताऊँ रेट भी नहीं पता था बाइक के कि कौन सी बाइक ये जमा कर रहे हैं और कितने की बाइक है, कुछ नहीं पता था भाई उनको। अभी जब अंदर में आया पेपर अपने जो जमा करा रहा था उसमें बोले भाई ये कितने की बाइक है जो जमा हो रही है तुम्हारी, मैंने बताया भाई 20 लाख रुपये की बाइक है, तो ये रिएक्शन थे इनके कि भाई 20 लाख रुपए की बाइक इतने में गाड़ी आ जाती, और उन्हें कौन बताए भाई कि अगर गाड़ी ही लेनी होती तो आप लोगों के ऐसे रिएक्शन थोड़ी आते जो चौंकने वाले थे। चलो कोई नहीं गाइस, बाकी पेट्रोल पंप आ गए हैं तो पेट्रोल डलाते हैं गाड़ी में फिर चलते हैं वापसी भाई। 2 hours later गाइस बाइक अपनी आ गई है वापसी, देख लो भाई अपनी पार्किंग में, और भाई गंदी हो गई थी पूरी भाई, साफ सुफ करवा कर वो के आया हूँ, और ये वाला जो एग्जॉस्ट है भाई, अब चाहे 10 बार भी बंद हो जाए अपनी बाइक पर ये एग्जॉस्ट जो है भाई ये नहीं हटेगा, लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, ये कभी नहीं हटेगा भाई बाइक में से। और ये देख लो भाई अपना एरो फुल सिस्टम, इसके चक्कर में बंद हुई थी भाई, बाइक की क्लिप भी बना के डालूंगा वो भी आप लोग देखना भाई कि क्या रीज़न था जो मेरी बाइक बंद हुई है, मैं क्या कर रहा था और अचानक से वो कांड हो गया, तो वो भी भाई पूरी क्लिप पूरा ब्लॉग बना रखा है तो वो भी आप लोग देखना। और आज के ब्लॉग को भाई यहीं करते हैं एंड, अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और भाई प्यार अपना बनाए रखो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।